हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफिस यूट्यूब चैनल। मैं अनु सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स काम किस तरीके से करते हैं, ये आपको ब्लॉक्ड वेबसाइट्स का एक्सेस दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके स्कूल, कॉलेज या कंट्री में कोई वेबसाइट ब्लॉक है तो इसको यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसको यूज़ करना सेफ है, तो जानेंगे आज हम इसके बारे में इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सर्वर होता है जिसको यूज़ करके आप किसी भी ब्लॉक्ड वेबसाइट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में या फिर आपके सर्विस प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने उस वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है, तो आप इस सर्वर को यूज़ करके, इस सर्विस को यूज़ करके उस ब्लॉक्ड वेबसाइट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कि आप जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो सर्विस किस तरीके से काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी एक वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो नॉर्मली किस तरीके से वो कनेक्शन काम करता है, सबसे पहले ये समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल या पीसी में टाइप करते हैं किसी वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल google.com आपने सर्च किया, तो यहाँ से होता क्या है कि आपके पीसी या मोबाइल से वो कनेक्शन जाता है, सबसे पहले वो कनेक्शन जाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया या फिर कोई भी ब्रॉडबैंड आपने अगर यूज़ किया हुआ है तो सबसे पहले उनके पास वो कनेक्शन जाता है। और उसके बाद वो कनेक्शन जाता है उस वेबसाइट के सर्वर्स के पास, फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, वहाँ से आपको रिटर्न में रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इसी रूट के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके मोबाइल में आपको वेबसाइट ओपन हो के मिल जाती है। तो दोस्तों, जब भी किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना होता है, यहाँ पे उसको दो तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है। पहला तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको ब्लॉक कर दे, या फिर अगर राउटर वगैरह से उसको एक्सेस कर रहे हैं तो राउटर में आप उस डोमेन नेम का एड्रेस या आईपी एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, तो वहाँ से वो ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी आप वीपीएन को यूज़ करते हैं किसी भी एक ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो आपका कनेक्शन होता क्या है कि एक टनल के रूप में यानी कि एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सबसे पहले जाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को लगता है कि आप उस ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आपको कनेक्शन बनाना है सिर्फ उस वीपीएन तक, तो जो कि वीपीएन आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं, तो आईएसपी के थ्रू आप उस वीपीएन तक कनेक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद वो वीपीएन आपको उस ब्लॉक्ड वेबसाइट तक का एक्सेस दे देता है। और यहाँ पे इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इस बारे में नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ पे इसको तो सिर्फ अपना कनेक्शन अपने पास से पास करना है। वीपीएन से वो कनेक्शन उस वेबसाइट तक जाता है और आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि रिटर्न में आपको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में वीपीएन से आप वापस आपके आईएसपी पे और आईएसपी से आपके मोबाइल पे आप उस ब्लॉक्ड वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप पूरी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड से छुपे हुए हैं, यानी कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके आईएसपी के पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आईएसपी के पास नहीं है, लेकिन उस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कि वो सर्वर्स हैं जिस कंट्री में हैं उनके पास आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ की वो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वहाँ पे उसको इजीली कभी भी उसको शो कर सकते हैं। तो यानी कि आपको कोई भी सेंसिटिव डाटा, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उस वीपीएन के थ्रू यूज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, चाहे आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज़ करके उन सेंसिटिव डाटा को एक्सेस नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो कभी भी है क्या लीक हो जाए, तो आपके पास तो कोई एक्सेस भी नहीं रहेगा उस सर्वर का। तो अभी दोस्तों, इस पूरे कनेक्शन को कंप्लीट होने के लिए, यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट को वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलती है यहाँ पे। इस ये ऐसा किस वजह से होता है कि दोस्तों, जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं डायरेक्टली, नॉर्मल वेबसाइट को, मान लीजिए flipkart.com को आप एक्सेस करते हैं, तो वो नॉर्मल आपके आईएसपी से उस वेबसाइट के सर्वर तक ईजिली एक्सेस हो पाती है। लेकिन जब भी आप किसी वीपीएन को बीच में लेके आते हैं, तो होता क्या है कि इस कनेक्शन के बीच में एक तीसरी सर्विस और आ जाती है, जिसके थ्रू आपके आईएसपी से वीपीएन तक और वीपीएन से उस वेबसाइट तक जाने में जो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है, इस वजह से आपके स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। और वीपीएन की बात करें दोस्तों, आपको पता होगा कि आप गूगल क्रोम में कई एक्सटेंशन जो कि फ्री हैं बिल्कुल, उनको यूज़ करके वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, बताने चाहूँगा कि फ्री वीपीएन को आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको वीपीएन यूज़ करना भी है तो पेड वीपीएन को यूज़ कीजिए, वो थोड़े बहुत सिक्योर होते हैं, क्योंकि फ्री वीपीएन का क्या भरोसा कि वो कहाँ पे आपका डाटा लीक कर दें, क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड होती रहती है हर समय। और यहाँ पे जब भी आप वीपीएन को यूज़ करें तो पूरी तरीके से उन पे आपको कोई भी सेंसिटिव डाटा यूज़ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आप दोस्तों खुद का वीपीएन भी बना सकते हैं, अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो आपको मिल जाएगी कि अपना खुद का वीपीएन कैसे क्रिएट किया जाए थोड़े से कुछ रुपए दे के।
जिस सर्विस को यूज़ करके आप इजीली आपका ना खुद का वीपीएन डेवलप कर सकते हैं और उसके थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और आपका कोई भी सेंसिटिव डाटा लीक होने का डर आपको नहीं रहेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव नीचे कमेंट्स में आप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीपीएन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। इस तरीके और वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।